नमस्कार साथियों, अभी हम खड़े हैं दादरी भिवाणी के महापंचायत में, जो किसान आंदोलन के समर्थन में देश में अलग अलग जगह पे हो रहे हैं। अभी तक लगभग 20 से अधिक महापंचायतें हो चुकी हैं जहां महिला पुरुष सबकी भागीदारी, लेकिन इस पंचायत की एक खासियत है, इस पंचायत में महिलाओं की भूमिका जिस तरह से दिख रही है, वो उस महापंचायतों में महिलाओं की इतनी भूमिका बड़ी नेतृत्वकारी भूमिका में, आइए समझने की कोशिश करते हैं महिलाएं इस आंदोलन में क्या सोचती है और अपनी भूमिका को इस आंदोलन को कैसे देखती है। महापंचायत में शामिल हो यहाँ भाई, यो कहना मानता को ना मोदी जी और हमारे भाई भतीजे रोड पे हैं, और किसाना के पास तो तनवेरा अन्नदाता के पास तो क्या है, अन्नदाता के पास है, अन्नदाता देगी जब ये खाएंगे ना, तो ये अन्नदाता क्या करेगा, यो कहना मानता नहीं भाई, इतना जितना हमारा कहना नहीं मानेगा ना किसानों का, इतना नहीं उठेंगे हम, इतना नहीं उठेंगे बिल्कुल भी, और मोदी को हम दिखा देंगे कि हम हरियाणा की नारी सा राख जैसी चिंगारी सा। हमारे जो है ना 3 ट्रैक्टर औरतों के भर के आए हैं और बाकी आदमी आए हैं चरखी दादरी से, और हम इसलिए आए हैं कि जो 3 काले कानून हैं, जब हमने मांगे ही नहीं तो क्यों कोई चीज़ ली हमारे से, इनको रद्द करवाने के लिए आए हैं और रद्द करवा के ही यहाँ से जाएंगे, ये भी पक्का हमारा वो है, चैलेंज है। मुझे नहीं लग रहा मोदी जी के अंदर कोई भाव है, क्योंकि ऐसे कंडीशन देख के किसानों की हर किसी का हृदय भाव विभोर हो जाता है, लेकिन मोदी जी के कुछ भी असर नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो मैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही हूँ कि किसानों की जो मांगे हैं और जायज हैं वो उनको पूरी करने की कोशिश करें। नहीं, अभी है ना महिलाओं को पता चल गया हमारा राइट क्या है, अब वो पीछे हटने वाले नहीं है, कहीं ना कहीं वो है ना अपने मतलब जमींदार भाइयों से भी आगे खड़ी मिलेंगे आपको हमेशा ही, जब तक नहीं मानेगी सरकार तो आंदोलन रहेगा, इसमें तो कोई शक नहीं, किसान तो उठने वाले हैं। नहीं you